हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ रहे हैं नेल्सन मंडेला के एमसीक्यू, जो 2021 एमसीक्यू पेपर होगा फर्स्ट टर्म सीबीएसई बोर्ड का, उसका 10th क्लास का नेल्सन मंडेला चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। फर्स्ट फ्लाइट बुक है इंग्लिश की, तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपनी कॉपी में नोट करते रहिएगा साथ साथ, और इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा जिससे कि आपको ये पूरे याद हो जाएं और एग्ज़ाम में आपके नंबर आने से ना चूकें, क्योंकि आगे कुछ भी हो सकता है। अगर सेकंड टर्म एग्ज़ाम ना हुए तो इनके बेस पे आपको नंबर दिए जाएंगे, और सेकंड टर्म एग्ज़ाम हुए भी तो इनमें से आपके काफ़ी शायद हाफ मार्क्स जोड़े जाएंगे, तो काफ़ी मायने रखते हैं एमसीक्यू। और बिल्कुल ईजी वे में एमसीक्यूज़ हैं, बिल्कुल मैं आपको हिंदी नहीं इनकी पढ़ाऊँगा, इतना आपको पता है। पहले भी फर्स्ट पार्ट वीडियो जो थी अ लेटर टू गॉड चैप्टर, उसमें भी मैंने हिंदी नहीं की थी, सीधा इंग्लिश में हम पढ़ते चलेंगे एमसीक्यू। और आप देखते चलिएगा, लर्न करते चलिएगा, साथ साथ नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन वन है, व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे। इसका करेक्ट आंसर है 10 मई। सेकेंड क्वेश्चन, इट वॉज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट, कौन सी गवर्नमेंट की सेलिब्रेशन थी। सो इसका आंसर है डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट, आंसर बी। मैं आपको एक बात आपको पहले बता देता हूँ, ये ऑप्शंस चेंज होके भी आ सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे आ सकता है और ये यहाँ आ सकता है, तो आप ऐसे मत सोचिएगा कि आपको सेम इसी सीक्वेंस में याद करना है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिप्टी प्रेजिडेंट्स वर इलेक्टेड। इसका करेक्ट आंसर है 2। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड अदर कंट्रीज ब्रोक ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका। इसका आंसर है अपार्थेड पॉलिसी। डेप्थ में आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, एमसीक्यू पूछे जाएंगे तो इसी टाइप के पूछे जाएंगे, आपको एमआर शीट मिलेगी उसमें बबल करना होगा, तो आप इनको ही फर्स्ट टर्म के लिए प्रिपेयर करते चलिए। क्वेश्चन 5 है, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका। इसका आंसर है एंड ऑफ अपार्थेड पॉलिसी। क्वेश्चन 6 है, वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजिशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज इट, आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, दैट मीन्स जस्टिस पीस ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 7, व्हाट वॉज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, दिस इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज पॉवर्टी। लिबरेटेड फ्रॉम, नेशन को किसकी जरूरत थी, लिबरेटेड फ्रॉम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डिप्रीवेशन एंड पॉवर्टी। नाउ क्वेश्चन 8 है, वी हैव अचीव्ड अवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमेंसिपेशन। इसका आंसर हो जाएगा फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन से फ्रीडम, दैट्स द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन 9 पे, द स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वाज अ डिस्प्ले ऑफ सी बोथ 1 एंड 2, दैट मीन्स मिलिट्री प्रिसिशन, मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी और मिलिट्री प्रिसिशन। नाउ क्वेश्चन 10 इज, व्हाट कलर्स डज द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग पोसेसेस। इसका आंसर है ए, ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड, 5 कलर्स आर देयर। क्वेश्चन 11 है, द स्ट्रक्चर दिस क्रिएटेड फ्रॉम द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज नेवर नोन, व्हाट स्ट्रक्चर इज मंडेला टॉकिंग अबाउट। 11th का आंसर है ए, रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक स्किन्ड। नाउ क्वेश्चन 12 इज, Whom did Mandela wanted to thank but couldn't? इसका आंसर हो जाएगा African patriots who no longer existed. Question 13 है, What unintended effect did the decades of oppression and brutality had? इसका आंसर A है, created men of extraordinary courage, wisdom and generosity. This is the correct answer. आपको याद रखना है, नोट कीजिए कॉपी में या स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिए इनके पास, और इनका अलग से फोल्डर बना लीजिए, जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप इसे ओपन करें और पढ़ें। नाउ क्वेश्चन 14 है, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन। इसका आंसर है डी, पीपल। ओके, बाकी इनमें से कोई इतना ज़रूरी नहीं है, जितने पीपल ज़्यादा ज़रूरी हैं उस जगह के लिए।
क्वेश्चन 15 है, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज? 15 का आंसर है बी, इट इज़ द ट्रियम्फ ओवर फियर। क्वेश्चन 16 है, व्हाट आर अ मैंस ऑब्लिगेशन इन लाइफ? 16 का आंसर है डी, बोथ 1 and 2, दैट मीन्स ऑब्लिगेशन टू पीपल एंड ऑब्लिगेशन टू फैमिली। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सटीकता से आपको एमसीक्यू वाला पेपर देना है, सबसे ज़्यादा मार्क्स उसमें स्कोरिंग है आपका पेपर। क्वेश्चन 17 है, व्हाई वर 2 नेशनल एंथम्स संग? बोथ 1 and 2 इसके आंसर हैं, दैट मीन्स टू इम्प्लाई यूनिटी, एकता के लिए, टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जात पात ये सब दूर करने के लिए, एंड करने के लिए। क्वेश्चन 18 है, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हर्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला? इसका आंसर है सी, लव। क्वेश्चन 19 है, व्हाट रियलाइजेशंस डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम? इसका आंसर ए है, इट इज़ जस्ट एन इल्यूजन। क्वेश्चन 20, व्हाट बिगेन मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम? इसका आंसर भी ए होगा, द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम हिम, अवे फ्रॉम हिम। नाउ क्वेश्चन 21 इज, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इज द पार्टी, वॉज द पार्टी विच मंडेला ज्वाइंड। क्वेश्चन 22 है, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैंस फ्रीडम इज बी, अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। क्वेश्चन 23 है, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री? इसका आंसर सी होगा, बोथ 1 and 2, दैट मीन्स ओप्रेसर एंड ओप्रेस्ड। इसका मतलब क्या हुआ, जो दबाया जा रहा है और जो दबा रहा है, ये दोनों ही फ्री नहीं है। क्वेश्चन 24 है, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? इसका आंसर होगा डी, यहाँ पे डी है, इसे सही कर लीजिएगा आप नोटबुक में, स्क्रीनशॉट खींच लेगा इसके बाद। ऑल ऑफ द अबव, दैट मीन्स टर्न फ्रॉम फ्राइटन टू बोल्ड, टर्न फ्रॉम लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू अ क्रिमिनल, टर्न अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, ये तीन कारण थे, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट? आंसर इज हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, ये डेप्थ में ले जाते हैं ऑपरेशन के, ठीक है, और ऑपरेशन क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से हमारी ये चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया है, हमारी इंग्लिश की सीरीज़ चलती रहेगी। आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और भी आने वाले चैप्टर के, एमसीक्यू के सभी चैप्टर्स हम पढ़ाएंगे पहले, सबसे पहले, लेकिन इंग्लिश का चलेगा 10th क्लास का, और फिर देखते हैं कोई और सब्जेक्ट एमसीक्यू के लिए, और सोशल साइंस आ सकता है नेक्स्ट सीरीज़ में, अभी इंग्लिश की सीरीज़ चलेगी। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, और वीडियो में कुछ भी कमी है या कुछ रह गया हो या कोई भी सजेशन देना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।